नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ कृष्णा वशिष्ठ एंड यू आर वाचिंग टेट्स गुरु। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल अगर आपको लगती है तो। चलिए, आज हमेशा की तरह एक नया क्वेश्चन हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 98। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बताता चलूँ कि हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं एचटेट का पेपर, 2018 ईयर का पेपर है ये, और लेवल 2 यानी कि टीजीटी लेवल का पेपर है। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। दो नलके हैं आपके, और एक नलका जो है आपका एक टब को फिल करता है 5 मिनट में, दूसरा नलका फिल करता है 7 मिनट में, एक तीसरा नलका है जो उस टब को एम्प्टी कर सकता है, खाली कर सकता है 3 मिनट्स के अंदर। तो आपको ये बताना है कि अगर तीनों ही टैप ओपन कर दिए जाएं तो वो जो टब है वो कितने टाइम के बाद फुल होगा। तो क्वेश्चन बड़ा इजी है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस किया हुआ है टाइम एंड वर्क में तो इस क्वेश्चन को करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाओगे। जो ए आपका टैप है वो 5 मिनट में जो है फिल कर सकता है टब को, तो इसका मतलब 1/5 यानी कि टब का जो एक हिस्सा है वो 1/5 मिनट के अंदर फिल करेगा। ऐसे ही बी का निकालो दोस्तों, 7 मिनट में वो टब को कंप्लीट फुल कर सकता है, तो टब का जो एक हिस्सा है वो 1/7 मिनट में फिल करेगा। ऐसे ही सी टैप का निकाल लेते हैं, ये 3 मिनट में इसको खाली कर सकता है, तो टब का जो एक हिस्सा है वो 1/3 मिनट में वो खाली होगा, लेकिन इसके सामने हम माइनस लगा देंगे क्योंकि ये टब को जो है पानी टब के अंदर से निकालेगा, यानी कि पानी की जो हाइट है वो डिक्रीज़ करेगी, नेगेटिव वर्क है ये आपका। और अगर तीनों ही टैप को हम एक साथ ओपन कर दें यानी कि एक साथ वर्क करेंगे फिर वो, तो इसका मतलब ये है कि हम तीनों के ही वर्क डन को ऐड कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी। तो कहने का मतलब है कि 1/5 प्लस 1/7 माइनस में 1/3। इसको सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो सोल्व करने के बाद आपको एलसीएम निकालना है इसमें, 5, 7 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो आता है 105। ठीक है, 105 एलसीएम आएगा, तो हम 5 से 105 को डिवाइड कर देंगे, 5 × 10 तो ये हो जाएगा आपका 21। 7 से 105 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों कितना हो जाएगा, 7 1 पे जाएगा और 7 × 35 यानी कि 15। ठीक है, ये 15 है। फिर आपका ये 3 × 3 = 9 और 3 × 15। ठीक है, तो 21 + 15 ये हो गए आपके 36, और 36 में से 35 गए तो ये आपके हो जाएंगे, अगर सीधा सीधा मैं आपको बताऊं तो ये आपका आ जाएगा 1/105, और कितने टाइम के बाद वो फिल करेगा, तो 105 मिनट के बाद वो उस टब को फिल करेगा। तो आपका जो आंसर है राइट आपका वो है ऑप्शन नंबर 4th, 105 मिनट। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 99। व्हाट इज़ द एचसीएफ, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है और एक दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है, इसका आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों बड़ा ही इजी है इसका एचसीएफ। देखो इस ऑप्शन को यानी कि इसके आंसर को हम थोड़ा सा दिमाग से भी टिक कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो देखिए, जो 8 है तो उसको फैक्टराइज कर लो आप, 8 को फैक्टराइज करेंगे प्राइम फैक्टर के अंदर, 2 × 2 × 2 × 2 यानी कि 4 × 2, और इसमें से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन आएगा इस इक्वेशन में से, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस x की पावर 2 प्लस 1, तो ये बन गया आपका। ठीक है, अब 28 को कर लेते हैं, 28 x की पावर 6 प्लस 1, तो 28 को फैक्टराइज कर लो आप, तो 28 को जो फैक्टराइज करूंगा तो ये हो जाएगा प्राइम फैक्टर में जब करूंगा तो ये हो जाएगा 7 × 2 × 2
ये हो जाएगा x की पावर 6 प्लस 1, ठीक है। तो अब कॉमन फैक्टर आप निकाल लो इस इक्वेशन में से, और इस इक्वेशन में से कॉमन फैक्टर निकाल लो, तो 2 और 2 कॉमन आ रहा है तो लिख लो नीचे, फिर सेकंड 2 भी कॉमन आ रहा है आपका, ये भी निकल जाएगा तो इसको भी लिख लो। तो ये दो नंबर तो कॉमन आ गए। अब दो नंबर को जब कॉमन आ गए तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4, तो यहाँ पे 4 किस में दिख रहा है, 4 दिख रहा है आपको फर्स्ट ऑप्शन में। तो मोस्ट प्रोबेबली यही आपका आंसर यहाँ पर हो सकता है, 99% चांसेस है कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो है फर्स्ट ही होगा। लेकिन अगर आप इसका फुल सॉल्यूशन चाहते हो मुझसे, तो मैं फुल सॉल्यूशन भी आप लोगों को करा देता हूँ। तो देखिए कैसे, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो सबसे पहले देखो आपको ये फैक्टराइज करना है, तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था कि 2 × 2 × 2 ऐसे करके किया था, और इंटू में एक्स की पावर 4 − x² + 1, ठीक है। अब हमें नीचे वाली जो इक्वेशन है उसको भी फैक्टराइज करना है, तो देखते हैं एक बार। तो जैसे मैंने बोला था कि 7 × 4 लिख सकते हैं इसे, और x की पावर 6 + 1 को मैं लिख सकता हूँ x² + 1, x² + 1 का क्यूब और 1 का क्यूब, थोड़ा सा ना घोचपोच हो गया है तो मैं इसको थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। 7 × 4 और x² + 1 को लिख सकता हूँ x²³+1³। तो एक आइडेंटिटी होती है दोस्तों, मैं लिख देता हूँ a³ + b³ की आइडेंटिटी। ऐसे आइडेंटिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पेपर में डेफिनेटली आ जाती हैं ये, a+b² − ab+b², ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे, तो कर लेते हैं 7 × 4। यहाँ पे हमारा जो a है वो x² है और जो b है वो 1 है, तो ये हो जाएगा आपका x² + 1, और इसकी जगह जो मैं लिखूँगा तो ये हो जाएगा आपका x²² और −x² + 1। तो आप देख सकते हो ये वाला जो फैक्टर निकल के आपके सामने आया है ये बिल्कुल इसी के साथ मैच कर रहा है, ठीक है, ये वाला इसके साथ मैच कर रहा है, x²⁴ − x² + 1, तो बिल्कुल इसके साथ मैच कर रहा है। और 4 तो जो है हमारा पहले से ही आ चुका है, तो इसका जो आंसर है वो है एग्जैक्टली फर्स्ट। इसको हम शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं, और अगर मैंने आपको समझाने के पर्पस से बनाया है, ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने स्क्रीन पर है। अगर आपके पास 8400 रुपीस हैं, आपको 3 पार्ट में वो बांटने हैं ए बी सी, इस रेशियो में बटे हुए हैं 1/5, 1/6, 1/10, तो आपको बताना ए का कितना शेयर बनेगा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो देखते हैं। तो जो ए का हिस्सा हम मान लेते हैं कि 1/5 है, एक्स बी का हिस्सा मान लेते हैं 1/6x, और सी का मान लेते हैं 1/10x। अब टोटल जो मनी है हमारे पास है 8400, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पैसा बटा हुआ है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख लेंगे, यानी तीनों हिस्सों को अगर हम जोड़ दें तो 8400 के रुपीज़ के वो बराबर तो आएगा ही आएगा, ठीक है, ना तो 8400 से ज़्यादा होगा ना उससे लेस होगा, एग्जैक्टली उसके बराबर होगा। अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लें तो यहाँ पर दोस्तों इस इक्वेशन को एलसीएम वगैरह लेके आप सोल्व कर सकते हो बड़ा इजीली। तो एक्स की वैल्यू मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, यहाँ पर 18000 आएगी, ठीक है, एक्स की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर 18000 होगी, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो बस अब हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ पर जो हैं ए का शेयर निकाल सकते हैं। हमें पता है जो ए है वो 1/5x था, ठीक है, तो उसका शेयर कितना होगा 1/5, और x हमारे पास आ चुका है 18000, और इसको मैं अगर काटूंगा तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15 और 5 × 6 = 30 और 00। तो आंसर जो है इसमें है आपका 3600। ऐसे ही आप b का भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही आप c का भी निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन सोल्व कराए हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन हमने सोल्व करे हैं, फ्यूचर में मैं थोड़ी सी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए क्रिएट करूँ, लेकिन अभी थोड़ा बिज़ी हूँ। अगर आपको मेरे ये जो क्वेश्चन हैं, मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हाँ, टेट्स गुरु को हमेशा ही आगे लेके चलें। थैंक यू, धन्यवाद।